आज हम बनाने वाले हैं बोमबिल भुजने। उसे 3 टेबलस्पून डालना है इसमें, तो हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी हम इसे पकाने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं इसे इस तरह थोड़ा हिलाना है गार्निश के लिए। ये है हमारा बोमबिल भुजने। बोमबिल भुजने राइस के साथ। आज हम बनाने वाले हैं बोमबिल भुजने। इसे बॉम्बे डक का नाम से भी जाना जाता है मुंबई में। मैंने आज फ्रेश लिया है और इसे अच्छे तरह धो लेना है। इसके लिए हमें चाहिए लहसुन, थोड़ा लहसुन थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इसमें जिंजर नहीं डालते हैं। मिर्ची आप टीका के हिसाब से ले सकते हैं। धनिया, और मैंने यहाँ पे कोकम लिया है, कोकम आप अवॉइड भी कर सकते हैं। मसाले में है हल्दी, लाल मिर्च और नमक। तो अभी इसका मसाला बनाएंगे। सबसे पहले हमें लहसुन को जो है तोड़ना है थोड़ा। लहसुन को इस तरह मैश करना है। अभी हम मिर्ची को तोड़ेंगे। मिर्ची भी आप अपना हिसाब से ले सकते हैं, ज्यादा तीखा चाहिए तो मिर्ची ज्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ही लिया है। इसे भी बारीक काटना है। इसी तरह धनिया को भी चॉप करना है एकदम बारीक। और ये बोमबिल भुजने जो है, यही मच्छी में रेसिपी जो है अच्छा बनता है, दूसरा कोई मच्छी में मैंने ट्राई किया नहीं है। इस तरह इसे भी चॉप करना है। अभी हम इसका मिक्सचर बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मच्छी लिया है बोमबिल, इसे डालना है। इसमें डालेंगे हम कटा हुआ लहसुन, मिर्ची, धनिया पहले थोड़ा डालना है, और कोकम को भी मैंने यहाँ पे धो के रखा था, इसे भी आधा करके डाल देना है। अभी हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले डाल रहा हूँ हलद 1 टीस्पून करीबन। उसके बाद यहाँ पे डाल रहा हूँ मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी मिर्ची पाउडर है, आप चाहे तो तीखा वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्ची पाउडर भी आप ज्यादा डाल सकते हैं, आपको तीखा जैसा मन है। उसके बाद यहाँ पे आएगा नमक स्वाद अनुसार। इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है तेल, इसमें तेल थोड़ा ज्यादा लगता है। मैंने यहाँ पे ग्राउंडनट ऑयल लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून डालना है इसमें। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। ध्यान से करें, मच्छी जो है टूट ना जाए। नमक चेक कर लेना। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी एकदम हल्का सा, थोड़ा ही डालना।
ये मैं घर के लिए बना रहा हूँ, इसके लिए ग्लव्स नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप गेस्ट के लिए बनाते रहेंगे तो ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फूड ग्लव्स जो आता है, कुकिंग ग्लव्स। मिक्स करके बस मैंने पानी इतना सा ही डाला है क्योंकि मच्छी का भी पानी निकलता है। अभी हम इसे पकाने के लिए रख देंगे। इसे एकदम धीमी आग में पकाना है, ढक्कन रख के एक 2-3 मिनट तक इसे पकने देना है ढक्कन बंद करके। 2-3 मिनट हो गए हैं, अभी हम इसे खोलेंगे। आप देख सकते हैं उबाल आ गया है। इसे इस तरह थोड़ा हिलाना है, मच्छी को लैडल या चम्मच से हिलाना नहीं, मच्छी टूट जाएगा, बहुत ही नाजुक रहता है। इस टाइम पे नमक चेक कर लेना, नमक भी बराबर है। इसे एकदम धीमी आंच में रखिए, फिर से थोड़ी देर के लिए पकाना है। हमारा बोंबिल भुजने रेडी हो चुका है। अब देख सकते हैं मैंने पानी बाद में डाला नहीं था, मच्छी का जो पानी है वो भी छूट गया है, मच्छी भी अच्छी तरह पक गया है, रोगन भी आ गया है ऊपर। इसे आप राइस के साथ, भाकरी के साथ, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, सब लोग ट्राई करके देखना। मच्छी निकालते टाइम बहुत ही संभाल के निकालना। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे गार्निश के लिए। हमारा बोंबिल भुजने रेडी हो गया है। ये है हमारा बोंबिल भुजने, सब लोग ट्राई करके देखना। अभी हम इसे राइस के साथ सर्व करेंगे। भी हम राइस के साथ में इसे सर्व कर रहे हैं बाउल में। बोंबिल भुजने राइस के साथ सब लोग ट्राई करके देखना, कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा रेसिपी। थैंक यू।